इसमें मैं अभी बहुत जल्दबाजी हो गई, 3.5 महीने का वक्त बचा है। चुनाव में जीत और हार सब कुछ होती है और सेहरा तो सबके सिर बंधी जाता है, जो जिसको मौका मिलता है वो अपने हिसाब से बांधता है। लेकिन हाँ ये तय है कि उस क्षेत्र में बहुत कमजोर स्थिति में बीजेपी, अभी अभी मैं वहां का पूरा एक दौरा करके आया हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग होके आया हूँ, तो हर तरफ कहीं ना कहीं जो सिंधिया का कदम था, मुझे लगता है उन्होंने शायद अपने पिता से शिक्षा नहीं ली। मैंने जब ये इस मामले को लेकर पहले रिपोर्ट की थी 1.5 महीने पहले, तो मैंने ये कहा था कि सिंधिया शायद एक बड़ी गलती कर गए। उनकी यदि कांग्रेस से नाराजगी थी, यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो उन्हें सैचुरेटेड कर रहे थे, उन्हें वो जो एक कठिनाई थी उसको जो वो पा रहे थे, अपने आप को घुटन सी महसूस करते थे, मिलता बीजेपी से जो उन्होंने डील किया, डीलिंग थी, सब कुछ साफ साफ है कि पूरी पूरी सौदेबाजी थी। उस सौदेबाजी में उन्हें कहीं कुछ कार्ड्स अपने हाथ में रख रहे थे, उन्होंने एक तो मुट्ठी खोल दी अपनी, कार्ड्स पूरे ओपन कर दिए, वो शायद उनके लिए घातक सा लगता है। देखिए बीजेपी का एक इतिहास है, बीजेपी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, लेकिन अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में अभी है, क्योंकि सिंधिया एक ना केवल मध्य प्रदेश एक नेशनल फिगर रहे हैं वो। लेकिन दो चीजें हैं, सिंधिया की जो स्थिति कांग्रेस में होती थी वो नेक्स्ट टू राहुल गांधी और जो सोनिया का गांधी दरबार कोटरी के जो उनकी जो क्रीम है कांग्रेस की, उसमें बड़े ऊपरी पायदान पर हुआ करते थे, उनकी अपनी सीधे 10 जनपद में पैठ हुआ करती थी कभी उनको। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके को उन्हें तवज्जो मिली थी, वो प्रियंका की बराबरी से उत्तर प्रदेश में किला लड़ा रहे थे, मेरे को थोड़ा धैर्य रखना था। और धैर्य के बाद यदि उन्होंने ये कदम उठाया, तो मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा और आज भी मैं ये मानता हूं, कहता हूं कि यदि वो अलग दल के साथ बीजेपी मिलते तो उनका एक अलग रुतबा होता, वो कहीं ना कहीं वापसी की भी स्थिति में होते और कहीं ना कहीं अपनी जो उनका भी इस समय जो हालात है वो जो एक थोड़ी खराब भाषा में कहें कि उनको बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा है, बहुत बुरी। मैंने दूसरी चीज ये भी कही कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी काफी कुछ है। अच्छा इसके अलावा एक जो लोकसभा है, लोकसभा में वो कहीं ना कहीं वो अगर कांग्रेस का हम उठा के देखें इतिहास, तो कांग्रेस में राष्ट्र भर में अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, उनकी पैठ और पहचान थी, लेकिन जो उन्हें कदम उठाया उस कदम के बाद उनका एक कहीं उनके प्रति लोगों में जो एक शैली, जैसे अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे कि उनकी धार जो धार थी वो खत्म हुई, बेशक खत्म हुई है। जो आदमी नंबर एक पर बैठा करता था, पंक्ति एक में रहता था, वो आज अंतिम पंक्ति में बैठता है। जो अपना उसका पूरी राजनीति करने का तरीका अलग था, आज बीजेपी में उनको एक ऐसा बैठाया जाता है जो एक आम कार्यकर्ता। और बीजेपी तो कैडरबेस पार्टी, वहां ये सब नहीं चलता है कि आप आसमान से उतरी हो और आपको एकदम अगली पंक्ति में मिल जाएगा, बहुत लंबा एक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अभी उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन हाँ, चूंकि अभी जो 2023 की जो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बड़ा अहम है, ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है इसको बीजेपी बहुत बहुत, और सबसे खास जो देश का दिल मध्य प्रदेश है, 29 लोकसभा की सीटें, 28 बीजेपी के पास है। बीजेपी यहाँ वो अब पूरी की पूरी चुनावी कमान है खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के हाथ में है, किसी पे कहीं कोई भरोसा नहीं कर, उन्होंने अपने लोगों को बैठाया। आप देखिए कि यहाँ दो दो केंद्रीय मंत्री जो उस कोटरी के सदस्य हैं, जो मोदी और अमित शाह की जो मंडली है उसके बहुत प्रमुख सदस्य हैं, वो पूरी की पूरी कमानियां संभाली हुई, मतलब पूरा वॉचिंग चल रही है। यहाँ के जो स्टेट के लीडरान है, 6 यहाँ पर 5 केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश से, वो अपने स्तर पर है। देखिए कल जब परसों जब अचानक बीजेपी ने बहुत लंबे अरसे बाद हमने देखा है मध्य प्रदेश में कि 39 सीटों की घोषणा, आज जब चुनाव भी दूर दूर तक पता नहीं कब होंगे, 100 के लगभग सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी जिसमें बीजेपी अपने को बहुत बहुत कमजोर मान रही है, और जो 39 सीटों की घोषणा की गई वो 39 सीटें बीजेपी के पास थी ही नहीं, तो एक रणनीति के तहत उसकी घोषणा बीजेपी ने की है। अब इन सब के बीच में 2-3 चीजें सामने निकल के आई कि वो रणवीर सिंह जाटव का टिकट कटा है जो सिंधिया को साथ आए थे, और देखिए जो 22-24 लोग सिंधिया के साथ आए थे सब सिंधिया के लोग नहीं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।